हेलो मेरे भाइयों, आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो पे स्वागत करता हूँ। मेरे भाइयों कि आप लोगों का जियो इंटरनेट काफी हद तक स्लो हो चुका है। आप लोगों ने अलग अलग तरह की एपीएन सेटिंग भी बना के देख ली है, जिसमें आप लोगों का जियो इंटरनेट फिर भी आप लोगों का स्लो चलता है। रात के टाइम पे जब आप लोग अपने मोबाइल के अंदर कोई वीडियो देखते, कोई मूवी देखते या कुछ डाउनलोड करते, तो उसमें काफी आप लोगों को ज्यादा समय लग जाता होगा, जहाँ पे आप लोगों को लगता होगा मैंने ये एपीएन सेटिंग भी बना के देख ली, बट मेरा अभी भी जियो इंटरनेट है वो काफी हद तक स्लो ही चल रहा है। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक ऐसी कमाल की एपीएन सेटिंग बताने वाला हूँ। अगर आप चाहे रात को अपने मोबाइल के अंदर वीडियो देखें या दिन के अंदर वीडियो देखें या कुछ लोड करके देखें, आप लोगों को जो स्पीड मिलने वाली है बहुत ही गजब की आप लोगों को स्पीड मिलने वाली है। तो आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को करना है आप लोगों ने एक लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पर करना है, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है वहां फॉलो कर लेना मेरे भाइयों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। जो सो मेरे भाई मोबाइल की होम स्क्रीन पे मैं आ चुका हूँ। देखो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, देखो 2-3 मिनट का वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो के एंड में मैंने आप लोगों को कमाल की ट्रिक भी बताई है, वो ट्रिक भी आप लोगों को जरूर देखनी है। अगर आप लोगों ने ये सिर्फ एपीएन सेटिंग देख ली और वो ट्रिक नहीं देखी तो आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला। तो दोनों ट्रिक को देख के जाना। करना होगा सबसे पहले सेटिंग पे जाना होगा। सेटिंग पे जाने के बाद आप लोगों ने क्या करना होगा, यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क पे चले जाना होगा, आप लोगों ने सिम वन पे चले जाना होगा। सिम वन पे जाने के बाद आप लोगों ने क्या करना होगा, यहाँ पे एसएस पॉइंट नेम की सेटिंग मिल जाती है, इस पर टैप करना होगा। इस पर टैप करने के बाद यहाँ पे से आप लोगों को ऊपर एक प्लस का आइकन मिल जाता है, इस पर टैप करना होगा। इस पर टैप करने के बाद यहाँ पे आप लोगों का नेम नाम की सेटिंग मिल जाती है, कुछ ऐसा पेज आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। तो आप लोगों को सबसे पहले नेम पे टैप करना है। नेम पे टैप करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे जे मतलब जियो लिखना है, कैपिटल में जे होगा, फिर स्पेस देना है, फिर आप लोगों ने यहाँ पे नेट लिखना है, जिसमें आप लोगों का नेट में एन बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद फिर स्पेस देखना है और यहाँ पे आप लोगों ने 5G लिख लेना है, ठीक है। अगर आप लोगों का 4G मोबाइल है तो भी आप 5G ही लिखोगे, क्योंकि आप लोगों को स्पीड इसके अंदर 5G की मिलने वाली है। मोबाइल में नहीं, सिर्फ 4G और 5G दोनों में वर्क करेगा, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद आने के बाद मेरे भाइयों आप लोगों ने सारा एक साथ लिखना है। जियो में जे कैपिटल होगा, नेट में एन कैपिटल होगा और 5G में जी कैपिटल होगा, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने लिख लेना है। इसके बाद इसे आप लोगों ने ओके कर देना है। उसके बाद प्रॉक्सी छोड़ देना, पोर्ट छोड़ देना, यूज़र नेम पर आना, और यूज़र नेम पर आके आप लोगों ने यहाँ पर लिखना है @jio, सब स्मॉल में रहेगा, ध्यान से देख लेना मेरा भाई, सब स्मॉल में रहेगा, जियो नेट 5G, ठीक है। आप लोगों के पास 5G मोबाइल है तो 5G में भी आप लोग ये सेटिंग करेंगे, और 4G मोबाइल है तो 4G में भी आप लोगों ने ये सेटिंग करनी है, ठीक है। इसके बाद पासवर्ड आप लोगों ने छोड़ देना, सर्वर पे आना। सर्वर पे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है www. और यहाँ पे आप लोगों ने jio.com लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने नीचे आना है, MMSC छोड़ देना, MMS प्रॉक्सी छोड़ देना, MMS पोर्ट छोड़ देना, MCC छोड़ देना, MNC भी छोड़ देना, ठीक है। ऑथेंटिकेशन टाइप पे आ जाना, इस पर टैप करना, और यहाँ पे से आप लोगों ने PAP पैप और CHAP चैप लास्ट वाला सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। APN टाइप हो सकता है आपका डिफ़ॉल्ट हो, SPUPL जो भी होगा, आप लोगों को इसे रहने देना है। और अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो जैसे मेरा कुछ नहीं लिखा हुआ है, मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ। इसके बाद APN प्रोटोकॉल आएगा, APN प्रोटोकॉल पे आके आप लोगों ने लास्ट वाला सेलेक्ट कर लेना है, 4/6, ठीक है। इसके बाद APN रोमिंग प्रोटोकॉल पे भी आप लोगों ने लास्ट वाला सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग आती है BRR की, ठीक है। BRR की सेटिंग बताने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करके जाया करो यार, क्योंकि देखो आपको फायदा होता है तो मेरे को भी थोड़ा सा फायदा तो करवाना चाहिए। आप लोगों को वीडियो को लाइक कर देना चाहिए ताकि और भी जियो यूजर तक ये सेटिंग पहुंच सके और उन्हें भी इस चीज़ का फायदा हो सके। तो BRR की सेटिंग पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे नॉट स्पेसिफाइड पे आप लोगों का टिक होगा, अनटिक करना, LT सेलेक्ट कर लेना, HSPAP सेलेक्ट कर लेना, HSPA सेलेक्ट कर लेना, HSUPA सेलेक्ट कर लेना, HSDPA सेलेक्ट कर लेना, UMTS, एच, GPRS, ये आप लोगों ने 8 सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर 4G मोबाइल है सारे सेलेक्ट नहीं होते तो सिर्फ LT सेलेक्ट कर लेना, अगर सारे सेलेक्ट होते हैं तो सारे सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। और अगर नहीं होते तो एक ही LT सेलेक्ट कर लेके आप लोगों को बैक कर देना या सेव कर लेना, ठीक है। जैसे भी आप लोगों में ऑप्शन आता होगा, जो है मेरा बैक करके ऑप्शन आता है सेव का, तो मैं यहाँ पे से सेव कर लूँगा। सेव करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी सेटिंग है बन के आ चुकी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जियो नेट 5G की। आप लोगों ने इस पर टैप करना होगा, इस पर टैप करने के बाद मेरे भाइयों आपका नेट चला जाएगा। नेट जाने के बाद आप लोगों ने क्या करना होगा, आप लोगों ने थोड़ी देर का वेट करना होगा। थोड़ी देर आप लोग जब वेट कर लेंगे उसके बाद आप लोगों ने अपने मोबाइल पे से यहाँ से सेलेक्ट करना है, बैक आना है। बैक आने के बाद आप लोगों ने अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट जरूर कर लेना है, ठीक है। रीस्टार्ट आप जैसे ही करोगे आप लोगों को 5 मिनट बाद अपनी नेट स्पीड चेक करनी है। कैसे चेक करनी है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर ले जाकर स्पीड चेक करा देता हूँ कि मेरे को कितनी स्पीड मिल रही है, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को लास्ट ट्रिक की जो मैं बता रहा था वो बताऊँगा। पहले आप लोग यहाँ पर स्पीड देख लो, ठीक है। स्पीड देख लेते हैं कितनी आ रही है, और उसके बाद आप लोगों ने सेम एज इट इज़ ये कर लेना है जो मैं करूँगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा स्पीड, अब देखते हैं कितनी मिल रही है आप लोगों के सामने। यहाँ पे
ताकि आप लोगों को ये भी लगे कि भाई स्पीड तो अच्छी मिल रही है या फिर ऐसी एमवी वीडियो बना रहा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 30 Mbps 32 Mbps की स्पीड मिल रही है 34-35 Mbps की, तो बहुत सही स्पीड है, कोई इतनी ख़राब स्पीड नहीं है। आप लोग इस स्पीड में अगर रात को भी नेट आपका अगर चलता है तो बहुत बढ़िया नेट आप लोगों का माना जाएगा। अब मैं आप लोगों को क्या कहता हूँ सेटिंग बता देता हूँ। आप लोगों ने मोबाइल नेटवर्क पर जाना होगा, दोबारा से मोबाइल नेटवर्क पर जाने के बाद सिम में जाना होगा। सिम में जाने के बाद भाई सबसे पहले आप लोगों ने ऑपरेटर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। आप लोगों ने रीस्टार्ट करके आना है, ऑपरेटर सेलेक्ट करना है। ऑपरेटर अगर 4G आप लोगों का फ़ोन है तो 4G सेलेक्ट करना, 5G है तो 5G सेलेक्ट करना। और उसके बाद प्रेफरेंस नेटवर्क टाइप पे आना, यहाँ पे भी आप लोगों का 4G है तो 4G को सेलेक्ट करना, 5G है तो 5G को सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद बैक आना, बैक आने के बाद डाटा रोमिंग ऑन करके रखना, ठीक है। ये ऑन इसलिए करते हैं मेरे भाइयों ताकि आप लोगों की जो नेट स्पीड है वो आप लोगों की डिक्रीज ना हो, इंक्रीज रहे, क्योंकि डाटा रोमिंग जियो कहता है कि हमारा जब भी आप लोग नेट यूज़ करो तो डाटा रोमिंग हमेशा ऑन करके रखो, तो आप लोगों ने इसे ऑन करके रखना है, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने बैक आना है। बैक आने के बाद मेरे भाइयों यहाँ पे एक नीचे आप ऑप्शन आ जाता है मोर सेटिंग का ऑप्शन आ जाता है, आप लोगों ने यहाँ पे से ये दोनों ऑप्शन को ऑन कर लेना है, ठीक है। बैक आना है। बैक आने के बाद मेरे भाइयों अब आप लोगों ने क्या करना है, अपने मोबाइल में नेट चला के देखना और नीचे कमेंट करके बताना स्पीड इंक्रीज़ हुई होगी तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, ताकि मेरे को भी पता चल सके कि आप लोगों को स्पीड का कितना फ़ायदा हुआ और कौन सी जगह से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, कौन सी स्टेट से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये भी ज़रूर बताना। तो आई होप मेरे भाइयों आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑल पर करके जरूर जाना।